देश हथियारों को सिर्फ उनकी खूबियों के दम पर नहीं खरीदता है, इसके पीछे कई जियोपॉलिटिकल कारण भी होते हैं। शायद इसलिए मलेशिया ने भारत के LCA तेजस बजाय दक्षिण कोरिया के FA-50 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को प्राथमिकता दी। मलेशिया ने भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को नकार कर इसकी जगह दक्षिण कोरिया के F-50 जेट खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच ये डील फाइनल हो चुकी है। अब दक्षिण कोरिया मलेशिया को 18 की संख्या में ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेचेगा। साउथ कोरिया के इकलौते विमान निर्माता कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि KAI ने 24 फरवरी को मलेशिया के साथ हुई डील का ऐलान किया था। इसके मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1.2 ट्रिलियन वॉन यानी कि $920 मिलियन है। मलेशिया को FA-50 विमानों की डिलीवरी 2026 से शुरू होगी। आपको बता दें कि भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL ने साल 2021 में रॉयल मलेशियाई वायुसेना की ओर से जारी किए गए ग्लोबल टेंडर को भरा था। इसमें मलेशिया ने 18 फाइटर लीड इन ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सप्लाई की डिमांड की थी। भारत का LCA तेजस और कोरिया का FA-15 को टेंडर भरने वाले 8 देशों में चुना गया था। इस रेस में जुटे दूसरे पार्टिसिपेंट्स में चीनी पाकिस्तानी JF-17, रूसी YAG-130 और इटली के M-346 विमान शामिल थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मलेशिया ने LCA तेजस की जगह FA-50 को क्यों चुना। मलेशिया चाहता है कि दक्षिण कोरिया के जरिए अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहतर हो जाए। अगर मलेशिया सीधे तौर पर अमेरिका से नजदीकी बढ़ाता है तो इससे चीन नाराज हो सकता है। मलेशिया नहीं चाहता है कि चीन उसके प्रति शत्रुता वाला रवैया अपनाए। इसे भी दक्षिण कोरिया से विमान खरीदने के पीछे एक कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि LCA तेजस और कोरियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का FA-15 दोनों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी के हैं। लाइट अटैक फाइटर जेट की खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में खूब डिमांड है। इसका कारण उनका छोटा आकार, कम वजन और कॉम्पैक्ट बनावट है। इससे ये लड़ाकू विमान कम रडार सिग्नेचर पैदा करते हैं, जिससे दुश्मनों के रडार बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। ये भारी लड़ाकू विमानों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और इनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होता है। अब आपको तेजस और FA-15 की खासियतें बताते हैं। FA-50 को दक्षिण कोरिया की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर बनाया है। इस एडवांस ट्रेनर को F-16 की डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, लेकिन इसकी कीमत कम है। F-16 को कोरियन कंपनी KAF-16 के नाम से लाइसेंस के तहत बनाती है। अब बात अगर LCA तेजस की करें तो ये अपनी कैटेगरी में सबसे एडवांस फाइटर जेट है। इसका इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम काफी पावरफुल है। इसके प्रोडक्शन में यूज किया गया कॉम्प्लेक्स कंपोजिट मटेरियल तेजस को अपनी कैटेगरी में सबसे छोटा और सबसे हल्का एडवांस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाती है। तेजस 8 से 9 टन का भार ढोने में पूरी तरह सक्षम है। ये सुखोई जितने हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। मारक क्षमता के अलावा इसकी स्पीड भी काफी अधिक है। LCA तेजस 52,000 फीट की हाइट पर साउंड की स्पीड Mach 1.6 से 1.8 पर भी उड़ सकता है।